हेलो एवरीवन, तो इन खूबसूरत फूलों के साथ आपका मेरे चैनल में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो गार्डन का सेकंड पार्ट आ रहा है ओवरव्यू का, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ इस खूबसूरत से फूल, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। बहुत सुंदर लगते हैं सुबह सुबह जब ये खिलते हैं, और बहुत सुंदर लगते हैं। ये पूरा ही एक बॉल पे रखा हुआ है, जो लिफाफों में बनाया है, प्लास्टिक के पैकेट हैं उनमें बना रखा है मैंने। तो ये पूरा ही लाइन आप देख पाएंगे, बहुत सुंदर है। आप भी इस तरीके से बना सकते हैं। फूलों का साइज बहुत ही अच्छा आ रहा है। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी, ये जो हाइब्रिड है, जो खिले हुए फूल है ऑरेंज कलर की, ये हाइब्रिड वैरायटी है। अगर इसके साथ मिक्स करके लगाते हैं तो ये जल्दी से ख़राब नहीं होंगे, लेकिन जो दूसरे वाले थे हमने अलग लगाए हुए थे सेपरेट करके, वो ख़राब हो गए हैं, उनमें कोई फूल नहीं आ रहा। हालांकि मैंने बारिश से हटा के भी रखा हुआ था इन्हें, लेकिन फिर भी अब मैरीगोल्ड जिनने नहीं लगाया है वो ग्रो कर लें या कटिंग से लगा लें। जो भी आपके पास एक पौधा हो उससे कई सारी टहनियाँ जितनी दिख रही हैं आपको, ये सब कटिंग लायक है और आप इनसे लगा सकते हैं। तो मैरीगोल्ड में कलियाँ बननी स्टार्ट हो गई, जल्द ही फूल आएंगे। अभी हार्वेस्टिंग करी थी आपके साथ ही 2-3 दिन पहले, लेकिन बैंगन फिर से बड़े हो गए और काफ़ी अच्छी इन पे ग्रोथ चल रही है। तो गुड़हल का ये देखो, ये तो है ही बहुत बढ़िया। आज मैं फूल ना दिखा के आपको इसके पत्ते दिखाना चाहूँगी। इतने साइनी पत्ते हैं इसके, इतनी साइन करते रहते हैं, बहुत खूबसूरत। और इसके पत्तों का साइज मैं दिखाऊँ तो काफ़ी बड़ा बड़ा, ये देख पाएंगे आप, बहुत सुंदर है। तो इसमें क्या है, मैंने सबसे ज़्यादा इस बार जो मैंने इसमें प्रयोग किया है वो है छाछ यानी बटर मिल्क, वो सबसे ज़्यादा मैंने इसमें डाला है, इन तीनों पौधों में डाला है। पीछे की साइड फूल खूब सारे लगे हुए हैं, सामने से तोड़ लिए, तो उस साइड पीछे आपको दिखाते हैं, देख पा रहे होंगे आप, फूल बहुत ज़्यादा आते हैं, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में आते हैं और कलियाँ भी उतनी ही बनती रहती हैं। तो आप लोग भी छाछ का इस्तेमाल कर सकते हैं, 4-5 लीटर में 1 लीटर डाल दें और फिर एक एक मग्गा सारे पौधों में डाल दें, जो भी फूल वाले पौधे हैं सब में डाल सकते हैं, ऐसा नहीं गुड़हल में ही डाल सकते हैं, तो काफ़ी अच्छे से चलते रहेंगे। तो ये एक देख रहे हैं आप पौधा, काफ़ी सुंदर है, एवरग्रीन है, सर्दियों भर गर्मियों भर ये ऐसे ही पत्ते रहते हैं। इसमें इसको छोड़ देते हैं तो अपने लीफ से ही ड्रॉप कर देता है और टहनियाँ ही रह जाती हैं। अगर इसे संभाल लेंगे, थोड़ा सा छायादार जगह में रख देंगे, तो इसके पत्ते ऐसे ही रहते हैं जो कि आप देख रहे हो। तो बस विंटर में इसकी थोड़ी सी केयर करनी होती है, बाकी इसके साथ ही अपने आप ही निकल आया मैक्सिकन पिटूनिया। इधर ये अमरूद में भी 1-2 बार फूल आए। इधर ये लगा हुआ है, बीज से लगाया हुआ है नींबू, तो इसमें ये कीड़े आ रहे हैं तो स्प्रे की ज़रूरत है, इसे यहाँ से हटा देंगे हम। बाकी ये एक लगा हुआ था पेड़, ये भी काफ़ी बड़ा हो गया, तो ये हमारे गार्डन में देखते रहेंगे कि नहीं, नहीं तो इसे हम क्या कहते हैं पार्क में लगा देंगे। तो काफ़ी बड़ा ये वृक्ष रूप ले लेता है, काफ़ी बड़ा बन जाता है अमरूद। आप देख रहे हो ग्रोथ काफ़ी अच्छी है इस पर, तो हो सकता है जल्दी हमें इसमें कुछ फ्रूटिंग देखने को मिले। पीछे की साइड जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी है, हालांकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई, आज मौसम थोड़ा ठीक है, प्लूमेरिया भी बहुत बढ़िया से चल रहे हैं, काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। इधर ये सारे रखे हुए हैं सेम वैसे ही जैसे पहले थे, तो ये तो है ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी, तो आप इनको लगाए करें। काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं, काफ़ी अच्छी ग्रोथ चल रही है। सामा तुलसी ने भी अपना कलर डिक्लेयर कर दिया है। ये स्टेम जो देख रहे हैं आप, इस थोड़ी सी हल्की सी डार्क हो जाती है, तो ये पहचान है सामा तुलसी की। रामा तुलसी मैं दिखाती हूँ, यहाँ पर बड़ी थी आप लोगों को मैंने पहले दिखाया था, यहाँ पर एक बड़ी थी लेकिन वो काफ़ी पुरानी हो गई थी, तो फिर मैंने निकाल दिया था। अब ये यहाँ पे छोटी छोटी आई हैं, उसी जगह पे निकल आई हैं अपने आप ही। और ये वाला फूल है जो सुदर्शन का, ये ऐसे ही काफ़ी टाइम तक चलता रहता है, ये एक एक करके, ये एक ये है इस टाइप से, ये एक फूल होता है ऐसे एक एक करके खिलता रहता है और फिर सूखता रहता है, तो काफ़ी लंबे टाइम चलता रहता है। तो इसमें दूसरी कली कहीं ना कहीं से बन रही होती है तो वो निकल आती है। इधर ये पीकॉक वाला कुछ ऐसा दिख रहा है,
ये ऐसे अभी मैंने किसी में इसे रिपोर्ट नहीं कराया, इसे मैं किसी बड़े गमले में रिपोर्ट करने वाली हूँ। तो इस टाइप की घास भी निकल आती है, तो ये इसमें कोई रोग नहीं है। आप सोच रहे हैं कहीं ये बीमार हो, ऐसा नहीं है। ये बस धूप ज़्यादा थी तो इस वजह से ये थोड़ा सा जल गया है। ये रेन लिली, इसके साथ ये कॉक्सकॉम निकल आए अपने आप। इधर बाकी ये प्लांट रखे हुए, तो इनमें जो मैरीगोल्ड है इनमें कलियाँ बननी स्टार्ट हो गई हैं। जैसे इस ये है इसका सिम्टम दिखेगा आपको, इकट्ठा हो जाएगा एकदम जब कलियाँ बनने वाली होंगी तो कुछ ऐसा दिख जाएगा। तो इसमें छोटी छोटी कली बन रही है, मैं दिखाऊँ, इसमें दिख रही होगी आपको ये रही। तो ये जल्द ही फूल देंगे हमको। तो अगर आपने कटिंग नहीं लगाई है तो इन्हें लगा लें इस टाइप से। इसकी उधर भी कई हैं लेकिन मैंने पिंचिंग कर दी, तो ये कलियाँ बननी स्टार्ट हो गई हैं। तो मैंने अभी इस पर पिंच कर दिया ताकि अच्छे से हो जाए। ये जल गया था साथ, अभी अभी मैंने किया है। तो आप भी इस तरीके से इसे ऊपर से इसकी टिप तोड़ सकते हैं। इन सबको मैंने कट कर दिया कैंची से, क्योंकि इनमें सीड्स बनने स्टार्ट हो गए थे, इसलिए मैंने इन सबको काट दिया है मैक्सिकन पिटूनिया को। तो ये एक निकल आया है, अपने आप ही निकल आया है ये यहाँ पे। ये मधुकामिनी के दो पौधे हैं छोटे छोटे जो सीड से निकले हैं। ये एक गुलदाउदी का पौधा है जो मैंने उठा के ऐसे रख दिया इसको। इन सब की मैंने कटिंग कर दी है, तो अगर आपके पास है तो इन सब की कटिंग कर दें। खूबसूरत सी यहाँ पे तितली दिख रही है, बहुत ही प्यारी लग रही है। ये घूमते ही रहते हैं यहाँ पर, आते ही रहते हैं। अभी आज भंवरे दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि मौसम थोड़ा सा ख़राब है, बारिश जैसे आसार लग रहे हैं। तो नींबू के पौधे को भी उठा के मैंने धूप में रख दिया है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए इसको लाए हुए, तो अभी ये रेडी है धूप में रहने के लिए। तो इसको भी मैंने रख दिया। नींबू पे जो थोड़ा बहुत नींबू है वो देख रहे हैं, ये कुछ ऐसे हैं। तो आ गए हैं हम सब्जियों वाली छत पे, तो यहाँ पे जो तोरई है इसके ऊपर से मैं दिखाऊँ टिप पे, तो इतने सारे फ्लावर हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, येलो और ग्रीन ग्रीन, बहुत ही बढ़िया। तो अभी भी लगा सकते हैं, लेट नहीं हुए हैं आप, जब मर्जी लगा सकते हैं गर्मियों वाली सब्जियाँ। तो इस तरीके से कुछ ये है यहाँ पे, इधर है कुछ, इधर है एक, इधर है ये, और उस साइड पीछे साइड एक, ये इधर यहाँ पे है एक, इधर है इसमें छुपी हुई, और सबसे बड़ी इसके पीछे छुपी होगी। तो पम्पकिन वहाँ से यहाँ तक आ गया है, इतना बड़ा हो गया है। तो साथ साथ में कीड़े भी आ रहे हैं, आप देख पा रहे हो लीव्स खा रखी है उनने, तो कीड़े बहुत ज़्यादा अटैक कर रहे हैं। तो स्प्रे बहुत ज़रूरी है सब्जी वाली बेलों पे। और कुछ ये बेल काफ़ी बड़ी हो गई है, पीछे की साइड दिखाएं तो बहुत नीचे तक जा रही है, दोनों मिक्स हो गए हैं लौकी और कद्दू। तो बस अभी ये चल ही रहा है प्रोसेस इनका, अभी कद्दू पे तो कोई फूल नहीं आया और लौकी कोई बड़ी हुई नहीं अभी तक। तो इधर ये करेले हैं, करेले अच्छे साइज में हो रहे हैं। नीचे की साइड भी लगा हुआ है ये, इधर ये तो मुझे लग रहा है ख़राब हो गया, पीला सा दिख रहा है, ये खा गया है कोई कीड़ा इसको, तो इसे मैं हटा दूँगी। अगर कोई लगे ख़राब हो गया तो उसे हटा देना है, कीड़ों का अटैक बहुत ज़्यादा दिख रहा है मेरे को। तो स्प्रे से मान नहीं रहे ये, तो ये अनार कुछ ऐसी कंडीशन में है ये वाला अनार। तो जब अनार पे फूल आए या फल बने तो आपको पानी थोड़ा सा, जैसे देख रहे होंगे मिट्टी इसकी, तो इस तरीके का कंडीशन इसमें रखनी है ताकि ये अच्छे से अपनी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टार्ट कर पाए
बहुत ज़्यादा वाटरिंग नहीं करनी है, मतलब बहुत ज़्यादा कीचड़ जैसी मिट्टी नहीं करनी है, बस हल्की सी नमी बनी रहे। ये गुलदाउदी है, इसकी कटिंग में लगा ही नहीं पा रही हूँ, समय नहीं मिल पा रहा इसलिए। ये नींबू अभी तक तो इसी हाल में जैसा था वैसा ही है, इसमें कुछ अलग प्रोग्रेस नहीं हुई है। ये इसकी कटिंग भी अच्छी चल रही है यूफोरबिया की, उसमें मैंने कुछ लगाया था तो वो गिर गया, तो पता नहीं अभी उसमें एक दो टहनी दिख रही है, देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। ये जल गया था पूरा, पर शुक्र है ये ठीक हो गया, मेरे को लग रहा था ये कहीं ख़राब ना हो जाए। बाकी ये तो जेट्रोपा ये तो बढ़िया है, एक नंबर। अगर कोई लगाना चाहता है तो इसे लगा सकते हैं। इसकी एक छोटी वैरायटी भी आ गई जो छोटे साइज में ही इसके फूल दे सकती है, तो दिखाते हैं आपको और फूल। तो ये वाइट वाला फूल पूरा अच्छे से खिल गया है, इसका यही साइज है, अभी गर्मी है तो इससे बड़ा ये नहीं होगा। बाकी उसका कलर अच्छे से निकल के आया पिंक वाले का, ये कुछ ऐसे लग रहे हैं, ये छोटे ही हैं अभी, तो ये इनका पूरा साइज हो गया, ये इतने ही बड़े होंगे, काफ़ी अच्छा साइज है इनका। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, खूब सारे पौधे लगाते रहिए।